ने रेस्ट हाउस में किया छापेमारी, दो महिला सहित दो पुरुष को किया गिरफ्तार। द वॉइस ऑफ मधुबनी न्यूज नेटवर्क का खबर का हुआ है बड़ा असर। देह व्यापार की आशंका में पुलिस ने किया छापेमारी। पुलिस ने कहा अब हर बिंदु पर चल रही है जांच पड़ताल। हरलाखी थाना क्षेत्र के उमगांव में हरलाखी पुलिस ने आज शनिवार को देह व्यापार की आशंका में रेस्ट हाउस में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी। छापेमारी के दौरान दो महिला सहित दो पुरुष को शक के आधार पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान हरलाखी पुलिस ने दो महिला व दो पुरुष को हिरासत में लेकर थाने ले गई और पूछताछ अब शुरू कर दी है। फिलहाल इस मामले पर हरलाखी पुलिस अभी कुछ भी बताने से परहेज कर रहे हैं। जानकारी हो कि द वॉइस ऑफ मधुबनी पर खबर प्रकाशन के बाद हरलाखी पुलिस हरकत में आया और छापेमारी की। पुलिस ने फिलहाल चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। हरलाखी के थानाध्यक्ष जितेंद्र सहनी ने बताया कि सत्यापन किया जा रहा है, आगे कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। देखो भाई, आजकल तेज धूप और लू से लोग काफी परेशान हैं। इससे बचने के लिए कड़ी धूप में बाहर मत निकलना, और यदि निकलना भी पड़े तो भरपेट भोजन करके ढीले ढाले सूती कपड़े, जूते या चप्पल पहनकर ही निकलो। साथ में भीगा हुआ तौलिया और पानी जरूर रखना है। तापमान अधिक हो तो आप लोग मेहनत या मजदूरी ज्यादा नहीं करिएगा। खाना कम खाना है और पानी ज्यादा पीना है। इसके अलावे खाने में अधिक पानी की मात्रा वाले मौसमी फल लीजिए। मांस, अंडा, सूखा मेवा, गर्म या मादक पेय पदार्थ, जर्दा तंबाकू का सेवन मत करना। तबीयत खराब लगे या चक्कर आए तो तुरंत डॉक्टर साहब के पास चले जाइएगा। बाकी अगर तब लू लग गया तो फिर क्या करेंगे? सबसे पहले लू लगे व्यक्ति को छांव में लिटाकर ठंडे गीले कपड़े से शरीर को पोंछना है, चाहे ठंडे पानी से उसे नहलाना है। लू लगने के पहले या लू लगने के बाद ORS या नमक चीनी पानी का घोल, छाछ या आम का पन्ना देते रहना चाहिए। गर्दन, पेट और शरीर पर बार बार गीला ठंडा कपड़ा रखना है, और यदि व्यक्ति उल्टियां करे या बेहोश हो तो उसे कुछ भी खाने पीने ना दें। देखो भाई, आजकल तेज धूप और लू से लोग काफी परेशान हैं। इससे बचने के लिए कड़ी धूप में बाहर मत निकलना, और यदि निकलना भी पड़े तो भरपेट भोजन करके ढीले ढाले सूती कपड़े, जूते या चप्पल पहनकर ही निकलो। साथ में भीगा हुआ तौलिया और पानी जरूर रखना है। तापमान अधिक हो तो आप लोग मेहनत या मजदूरी ज्यादा नहीं करिएगा। खाना कम खाना है और पानी ज्यादा पीना है। इसके अलावे खाने में अधिक पानी की मात्रा वाले मौसमी फल लीजिए। मांस, अंडा, सूखा मेवा, गर्म या मादक पेय पदार्थ, जर्दा तंबाकू का सेवन मत करना। तबीयत खराब लगे या चक्कर आए तो तुरंत डॉक्टर साहब के पास चले जाइएगा। बाकी अगर तब लू लग गया तो फिर क्या करेंगे? सबसे पहले लू लगे व्यक्ति को छांव में लिटाकर ठंडे गीले कपड़े से शरीर को पोंछना है, चाहे ठंडे पानी से उसे नहलाना है। लू लगने के पहले या लू लगने के बाद ORS या नमक चीनी पानी का घोल, छाछ या आम का पन्ना देते रहना चाहिए। गर्दन, पेट और शरीर पर बार बार गीला ठंडा कपड़ा रखना है, और यदि व्यक्ति उल्टियां करे या बेहोश हो तो उसे कुछ भी खाने पीने ना दें।